बार लाइव कोशिश की आपसे, एक बार आए तो वहाँ इंटरव्यू चल रहे थे टीचर्स के, फिजिकल टीचर्स के, आप अनफॉर्चुनेटली हम आपको वेलकम करते हैं पूछने ऑन बिहाफ ऑफ शरणार्थी एक्शन। तो सर मैं त्रिलोक सिंह तारा, भरत सिंह जी आजाद, भरत सिंह आजाद रिटायर्ड फॉर लास्ट 15 इयर्स, assistant minister. Currently, I am doing service in the foundation of the Indian community as additional secretary. Myself, I have retired from army, sir, as a public minister, and presently looking up to the job. Senior vice president, Sarthi Action Committee. Balwant Singh, senior शरणार्थी एक्शन कमेटी डिस्ट्रिक्ट पंच, कैशियर शरणार्थी एक्शन कमेटी। सर गुरभक्त सिंह रे, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर कॉपरेटिव बैंक, मेंबर ऑफ द शरणार्थी एक्शन कमेटी। भारत स्वाभिमान सर, एडवोकेट तमिल, प्रेजिडेंट रिफ्यूजी विकास मंच, एंड आई एम सर्विंग दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लास्ट 20 इयर्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड सोशल वर्कर इस लोकेलिटी एंड माय सेल्फ मेंबर ऑफ द ये यहाँ पर इलाका है कोटली मीरपुर, ये इलाके जो है या हमारा बाग तहसील सर मुक्ति, ये अफेक्टेड हुए और लोग जो है वहाँ से माइग्रेट हुए। कुछ लोग तो जो मीरपुर कोटली या वो लोग थे वो सीधे जम्मू चले, यहाँ पूंछ में मैक्सिमम लोग तहसील सर मुक्ति और तहसील रावला कोट की। तो ये 1695 फैमिली जो है 1695 फैमिली जो थी देवर डिस्प्लेस, बाकी तो मर गए हैं, 30 साल के दो मर गए, 10 साल के जो 90 साल हो गए, 70-80 साल हो गए, 20 साल के 90 साल हो गए। इट्स नॉट फिजिबल फॉर देम, पॉसिबल फॉर देम टू कम टू पीआर ऑफिस, लिहाजा आप एक मेहरबानी करें कि फार्म हमें पहुँचे। तो ये सी डी डावर दिस प्रॉब्लम, और उन्होंने फार्म पहले पहुँच दिया। फिर हमने सेकंड टाइम रिक्वेस्ट की कि ये फार्म वहाँ जमा करें, या हमने जो तहसील में जो ऑफिसर थे उन्होंने कॉपरेट किया, यहाँ से हमने फार्म लिए और फार्म जमा किया। उसमें टाइम इन लगे आई यूज टू फॉर्म साहब ने भी कहा, जिस हिसाब से इरफान साहब, इरफान साहब वही अरुण साहब, अरुण कहा हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि हम ये करें, हम कहते हैं यहाँ पर लोगों के फार्म करें। जब हमने फार्म करें उसके बाद हमने फार्म भी ऑब्जेक्शन रखे, मैं पर्सनली वहाँ पर बैठा, नॉट 350 आदमी का ऑब्जेक्शन आया और यहाँ से ऑब्जेक्शन रिमूव। इस वक्त तक 850 में से आज एक रिफ्यूजी से रिलेटेड उनके जो इश्यूज़ हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उससे एक रिव्यू मीटिंग मैंने ली थी, और उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो इमदाद मिलने वाली है रिफ्यूजीज़ को फॉर सेटलमेंट के लिए, उससे जो कि हमारे पास सारे फॉर्म्स उनके वापस नहीं आए हैं, और उसमें डिविजनल कमिश्नर साहब की हिदायत के तहत एक रिव्यू मीटिंग हुई थी। उसमें क्या क्या मुश्किलात लोगों को पेश आ रही हैं या फिर उनके क्या क्या मसाइल हैं, उनसे वो उनसे डिस्कस किए गए। उसमें लोगों ने एक मेमोरेंडम भी मेरे को दिया उनकी मुश्किलात से रिलेटेड, और उनके जो इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से उनके सारे फॉर्म सबमिट नहीं हो पाए हैं, जैसे उनके पेंडिंग म्यूटेशन है, उसमें जो कंसर्न तहसीलदार हैं उनको हिदायत दी गई कि वो ऑन प्रायोरिटी सारे जो भी पेंडिंग म्यूटेशन अगर कोई है विरासत के तो उनको टेस्ट करें, सो दैट लोग अपनी फाइल जो है वो प्रोसेस कर सके। इसके अलावा भी अगर जो रिप्रेजेंटेटिव थे रिफ्यूजीज़ के, उनसे ये डिस्कस किया गया कि वो अपने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की मदद कर सकते हैं, जो भी अगर पेंडिंग फॉर्म है कहीं कुछ उनको रिजॉल्व कराने में, सो दैट वो अर्ली प्रोसेस हो सके, और अगर कोई फैमिली डिस्प्यूट है उनको रिजॉल्व कराने में, सो दैट लोगों को जो है मदद मिल सके। तो उनके और जो मसाइल हैं उसमें भी उन्होंने वहाँ पे डिस्कस किए, और उसमें भी अपने जो कंसर्न ऑफिसर्स थे उनको जो हिदायत थी कि वो उनको जो है एट द अर्लीस्ट उनको रिजॉल्व करें।